शुभ दिवस बच्चों, आज चैप्टर पार्ट 3 के आगे के भाग में हम लोग पढ़ेंगे क्या है शब्द विचार। शब्द विचार में हमारा चैप्टर 3, जिसको मैंने आपको अर्थ के आधार पे, बनावट के आधार पे मैंने समझाया, आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर ये तीसरा नंबर के बारे में बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द। तो पहले चलते हैं हम लोग तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के लिए गए हैं वो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे तत्सम शब्द। जैसे संस्कृत में जो शब्द है उसी शब्दों को हम लोग हिंदी में व्यवहार में व्यवहार करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृत, पत्र, रात्रि, ये शब्द क्या है? संस्कृत शब्द। इसे हम ऐसे संस्कृत शब्द को जिसका हिंदी में प्रयोग करें उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। किसके आधार पे? उत्पत्ति। ये कहाँ से आया, ये शब्द आया कहाँ से? तो ये संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, इसलिए हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्पादि। तद्भव किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घृत माने घी होता है, घृत संस्कृत शब्द है और हिंदी में हम घी कहते हैं। पत्र पत्ता, रात्रि रात, और सर्प सा। तो ये जो आपका क्या है संस्कृत शब्द है और इसका उपयोग हिंदी में हम लोग इस तरह से करते हैं, तो इसे हम तद्भव कहते हैं। तत्समय मतलब जैसा है उसी तरह, तद्भव में जब हम उसका प्रयोग हिंदी संस्कृत से हिंदी में करते हैं। अभी देखें कुछ शब्दों को, जैसे दिया हुआ तत्सम है, ये तद्भव है। सूर्य जो है हमारा तत्सम है, तो क्या हो गया ये संस्कृत में हम लोग सूर्य कहते हैं। तद्भव में हमारा क्या हो गया? सूरज। पक्षी पंक्षी, स्वर्ण सोना, कर्म काम, कर्ण कान, है ना, कूप कुआं, गृह घर, पर्वत पहाड़, श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, दधि दही। तो ये संस्कृत हो गए जैसा है चित्र, और ये हमारा तद्भव हो गया। अब आते हैं चौथा, देशज। वे शब्द जो हिंदी में हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे देशज। जैसे फवाड़ा, जूता, पगड़ी, ये सब शब्द क्या हो गया? देशज। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपनी भाषा में इसका यूज़ करते थे। देशज शब्द विदेशी जो शब्द जो विदेशी भाषाओं के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, ये सब विदेशी शब्द है। औरत, आदमी, फौज, किताब आदि। अंग्रेजी, हिंदी, स्कूल, स्टेशन, रेडियो, पेंसिल, ये सबसे किस में है? ये आपका किससे लिए हम लोग? विदेशी से, विदेश से। पुर्तगाली ये शब्द जो है जैसे हम लोग यूज़ करते हैं गमला, कमरा, तौलिया आदि, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। तो विदेश शब्द प्रयोग के आधार पर शब्दों के देव होते हैं, विकारी और अविकारी, दो शब्द होते हैं। विकारी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण विकार या परिचय आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लड़का, लड़की, लड़कियां आदि। उसी तरह सर्वनाम, जैसे आप जानते हैं सर्वनाम शब्द, वह, तुम, मैं, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण, अच्छा, अच्छी, ये सब विशेषण शब्द हैं। क्रिया, आता है, जाता है। तो जिस रूप विकारी किसको कहेंगे? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण विकार या परिभाषीय होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द इन शब्दों में के रूप को कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अविकारी शब्द 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। इसमें किसी तरह का कोई विकार का परिवर्तन नहीं, जैसे तेज दौड़ता है, तेज दौड़ती है, विशेषता किसी का बताते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब में ये प्रयोग करते हैं सर्वनाम के साथ भी। और ये संबोधन में के नीचे के ऊपर, तो ये शब्दों का वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हम, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। समुच्चय बोधक और या किंतु सब में लगेगा,
चाहे वो संज्ञा हो सर्वनांग हो, सब में वही लगता है। विस्मय आदिबोधक वाह शाबाश अरे हाँ आदि। तो इस तरह से हम देखें कि प्रयोग के आधार पर दो होते हैं और आपका उत्पत्ति के आधार पर चार। मैंने आज समझाया, आप इसे अपने पुस्तक से पढ़ेंगे। मैं आपको प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में दूंगा आपके बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।